तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र मॉडल क्वेश्चन के बारे में। आज की इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो पिछले कई सालों से रिपीट हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरी यानी एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। जिनका भी एग्जाम है उनके लिए तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, गणनात्मक है, बी नंबर रचनात्मक है, सी नंबर वस्तुनिष्ठ है और डी नंबर है पाद्धतिक, ठीक है, पाद्धतिक। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, जैसा कि आप सभी को मालूम है आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर पद्धतिक, ठीक है, पद्धतिक। जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे प्लीज़ उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे में इंपॉर्टेंट ही आप लोगों को बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विषय के परिपेक्ष का निर्धारण होता है, नंबर एक अध्ययन क्षेत्र से, बी नंबर विषय की प्रकृति से, सी नंबर विषय की परिभाषा से, डी नंबर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वाभाविक अवलोकन उपागमों पर विशेष ध्यान किस समाजशास्त्री ने दिया, नंबर एक लिंडस ने, बी नंबर आगबर्न ने और सी नंबर है बार्नर्ड ने और डी नंबर है राइस ने। तो समाजशास्त्री जो जिन्होंने ध्यान दिया है, ठीक है, सहभागिक अवलोकन उपगामों पर विशेष ध्यान दिया, उनका नाम है लिंडस, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैंने देखा कई बार पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिपेक्ष को चुनौती यूरोप में किसने दी, वैज्ञानिक परिपेक्ष को चुनौती यूरोप में किसने दी, नंबर एक ऑप्शन है दुर्खीम ने, बी नंबर डेल्थे ने, सी नंबर है पार्सन्स ने और डी नंबर है कॉम्पट ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डेल्थे ने, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज करने वाले क्योंकि इन लोगों के जो नाम है बाहर के नाम है, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, अजीब थोड़ा नाम आप लोगों को लगेंगे लेकिन इन नामों को आपको रट लेना है या अच्छे से समझ लेना है जिससे आपको कन्फ्यूजन बाद में ना हो, क्योंकि यहाँ तो मैं राइट आंसर बोल देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेल्थे हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ पर आंसर आप लोगों को सेल्फ से देना होगा। ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं जो सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको पूरी ओमआर सीट मिलेगी, ठीक है, उस पर इसी तरह के ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय, जिसमें से जो सही होगा चार ऑप्शन होंगे उसी पे आप लोगों को मार्कशीट पे गोला बना देना है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में देने जा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, जब आप कॉलेज जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर शुरू में सब बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे फिल करना है। ओके, उसके लिए आप डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री ने विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया है, नंबर एक ग्रीन, बी नंबर फरके, उसी नंबर है पार्सन्स और डी नंबर है स्टुअर्ट चेज। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ग्रीन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि श्रीमती पी बी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है, ऑप्शन एक है 6, बी नंबर है 9, सी नंबर है 4, डी नंबर है 12। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चरणों का उल्लेख किया उसकी जो संख्या है वो है क्या 6, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि विज्ञान की परिभाषा 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में किसने की है, नंबर एक बर्नार्ड ने और बी नंबर है लैंडिस ने और सी नंबर ग्रीन ने और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो विज्ञान की 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में जिन्होंने परिभाषा दी है उनका नाम है लैंडिस, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, सब क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट लगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विज्ञान के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे
ऑप्शन एक है निम्न में से, सॉरी समस्या बी नंबर है अवलोकन, सी नंबर वैज्ञानिक और डी नंबर है सामान्यकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। समस्या प्रमुख तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन है सामाजिक तथ्यों में निम्न में से कौन सा गुण होता है। नंबर एक तरलता, बी नंबर स्थिरता और सी नंबर है जटिलता और डी नंबर है तटस्थता। तो सामाजिक तथ्यों में निम्न में से जो गुण होता है वो होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर जटिलता, ठीक है। सामाजिक तत्वों में जो गुण होता है वो जटिलता होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि काम्ट की तीन अवस्था के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है। थोड़ा यहाँ अवस्था में टाइप करने में मिस हो गया है, ठीक है, अवस्था वो, ओके, ये होना चाहिए था। तो काम्ट की तीन अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है। तो ऑप्शन एक है चक्रवात, बी नंबर आवर्ती, सी नंबर समरेखीय और डी नंबर बहुरेखीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समरेखीय, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाजशास्त्र किस प्रकार की प्रकृति है। नंबर एक मानवीय, बी नंबर है कलात्मक, सी नंबर वैज्ञानिक और डी नंबर है सामान्य। तो समाजशास्त्र किस प्रकार की प्रकृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप डीपली समझिएगा, ठीक है। समाजशास्त्र किस प्रकार की प्रकृति है, ठीक है, किस प्रकार का नेचर है। तो ऑप्शन तो आपको मिली गए हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक। ओके, वैज्ञानिक राइट आंसर हो जाएगा, इसको ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर नोट डाउन करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना एवं उनके कार्यों का विज्ञान है। नंबर ऑप्शन एक है जानडी बोनेट, सी बी नंबर है टी एवेल और सी नंबर है यंग एंग मैक और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ए नंबर जानडी बोनेट। ओके, जानडी बोनेट, समाज सात सामाजिक जीवन की संचय उनके कार्यों का विज्ञान है, जानडी बोनेट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित में से किसमें भौतिक संबंध नहीं पाया जाता है। ऑप्शन एक है लेखक एवं पेन, बी नंबर है वक्ता एवं श्रोता, सी नंबर है वक्ता एवं माइक और डी नंबर है श्रोता एवं रेडियो। तो निम्नलिखित में से जो भौतिक संबंध नहीं पाया जाता है वो पाया जाता है वक्ता एवं श्रोता में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है निम्न में से समाजशास्त्रीय नियम हैं। नंबर एक प्रामाणिक, बी नंबर अस्पष्ट और सी नंबर है अप्रामाणिक और डी नंबर है इनमें सभी प्रकार के। तो निम्न में से जो समाजशास्त्रीय नियम है वो है इनमें से सभी, क्योंकि प्रमाणिक भी होना चाहिए, अस्पष्ट भी होना चाहिए, अप्रमाणिक भी होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किस समाजशास्त्री की कृति है। एक कृति है जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये जो कृति है वो किस समाजशास्त्री के, ऑप्शन है कि गुड्डे, बी नंबर मिल्स, सी नंबर पी वी यंग और डी नंबर है मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मिल्स की है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानवीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। नंबर एक वस्तुपरक, बी नंबर है अव्यवस्थित और सी नंबर है वैज्ञानिक पद्धति और डी नंबर है विषयपरक। तो मानविकी परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर विषय परक में, ठीक है, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने कहा है कि प्रत्येक कार्य का सदैव एक ही संबंधित कारण होता है। नंबर एक कार्ल पियर्सन और बी नंबर है स्टीवर्ट और सी नंबर दुर्खीम और डी नंबर है मैका ईवर, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम ने कहा है कि प्रत्येक कार्य का सदैव एक ही संबंधित कारण होता है। ठीक है, सी नंबर दुर्खीम। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन एक है कार्य कारण संबंध, बी नंबर वस्तुनिष्ठता का अभाव, सी नंबर ज्ञान का आधार और डी नंबर है तथ्यों का संकलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर वस्तुनिष्ठता का अभाव। ओके, बी नंबर वस्तुनिष्ठता का अभाव। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रघटना शास्त्रीय उपगामों का समर्थन निम्न में से किस समाज शास्त्री ने किया? तो ऑप्शन एक है लेसर, बी नंबर गार किंकन, सी नंबर है स्ट्रास और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा प्रघटना शास्त्रीय उपागमों का समर्थन किया है इनमें से सभी ने। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। लेसर ने भी किया है, गार किंकन ने भी किया है, स्ट्रास ने भी किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है इनमें से? तो ऑप्शन एक है एक मूल्य तथस्थ है, बी नंबर है यह अनुमान विषयक है और सी नंबर है यह वस्तुनिष्ठ है, डी नंबर है यह अनुभवश्रित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, ठीक है, निम्न में से जो एक विशेषता है समाजशास्त्र की वह है यह वस्तु निष्ठ है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन भी स्टूडेंट को जो भी मॉडल पेपर चाहिए आप बताइए, कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका भी मॉडल पेपर आप तक प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो उसको तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है हिंदी न्यूज़। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिए उस पर भी हमें। और मैंने एक रूल्स न्यू करना चाह रहा हूँ कि मॉर्निंग वाले क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँ। शाम को तो मैं अपलोड ही करता हूँ वीडियो, और एक मॉर्निंग में भी अपलोड करूँ जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता है। तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि मॉर्निंग की क्लासेस स्टार्ट हों कि ना हो, क्योंकि आज तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है sandeepinfo.com, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और तुलसीदास रहीमदास हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए। तो प्लीज़ वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से भी आप पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।